आसमान फिर रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा पेच, फिर लड़ाए जाएंगे, फिर होगा वो काटा। लाहौर में बहार का रिवायती त्यौहार बसंत बहाल करने का उसूली फैसला, वजीर आला उस्मान बुजदार ने कमेटी बना दी। बसंत के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर करेगी। प्याज लहसुन चौहान कहते हैं कि लाहौर की आवाम फरवरी में तारीखी फेस्टिवल मनाएंगे। इस्लामाबाद में स्कूलों की 75% बच्चियां और 45% बच्चे मनुष्यात के आदि हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी ने बड़ी बात कह दी। बोले तलबा बस्तों में क्रिस्टल आइस लेकर फिरते हैं, मनुष्यात कैंटीन और होटल्स में भी बिक रही हैं। नए पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, अब कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। कौम के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान पर आलमी एतबाद बहाल होने लगा। ब्रिटिश एयरवेज का पाकिस्तान के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान। आइंदा साल जून में हीथरो से इस्लामाबाद के लिए परवाजें चलेंगी। ऑपरेशंस बहाली से तिजारत और कारोबार में इजाफा होगा। पाकिस्तान यूरोप से मुंसलिक होगा। जुल्फी बुखारी, अब्दुल रजाक दाऊद और बरतानवी हुक्काम की मीडिया से गुफ्तगु। पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने पर ब्रिटिश एयरवेज का शुक्रिया। अमनो इस्तेहकाम के लिए दहाइयों लंबी कोशिशें रंग लाना शुरू हो गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने हमें आगे ही जाना है का हैशटैग भी शेयर किया। उधर बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू का कहना है ब्रिटिश एयरवेज की वापसी तजारत और सरमायाकारी के फरोग में मददगार होगी। सियासी चैलेंजेस नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी थे जो खत्म हो गए, डिफॉल्ट से भी निकल आए। नवाज चौधरी का कहना है हुकूमती पॉलिसी की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, ब्रिटिश एयरवेज की वापसी इसका सबूत है। नवाज शरीफ और जरदारी ने अपने आखिरी इलेक्शन लड़ लिए। साबिक हुकूमत ने डॉलर को 100 रुपए पर रखने के लिए $7 अरब खर्च किए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात। निजी टीवी के कैमरामैन पर नवाज शरीफ के गार्ड के तशद्दुद से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस, मीडिया वर्कर्स के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं सहाफी पर तशद्दुद का पर्चा नवाज शरीफ पर काटा जाए, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की भी अपील। कैमरामैन थे, उन्होंने कैमरा सुबीर के माथे पे देना। सहाफी पर तशद्दुद करने वाले नवाज शरीफ के दोनों गार्ड्स 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। नवाज शरीफ की अपने गार्ड की रवैये पर वजाहत, साथ ही इल्जाम भी लगा दिया। कहा कैमरामैन ने अपना कैमरा शकूर के सर पर मारा, जिस पर एतराज है जो हुआ नहीं होना चाहिए था। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी, बिफरे गार्ड्स आज भी बाज ना आए, सहाफियों को धक्के दिए। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाल मुकम्मल। कल नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जवाब उल जवाब दलाल देंगे। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल महफूज होने का इम्कान। जज एहतसाब अदालत की कल 1 बजे तक फरीकैन को हतमी गुजारिशात मुकम्मल करने की हिदायत। सारी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वाला बख्शांडी और नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम ने नैब को मुतनाज़े बनाया और कहते हैं इदारे आजाद हैं, एहतसाब करें, एहतसाब के नाम पर इंतकाम ना लें। वजीर आजम का लबो लहजा भी अपोजिशन के बारे में ठीक नहीं। नवाज
नवाज शरीफ साहब एक NRO ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए। आसफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को NRO मिले। लोगों को मालूम हो गया है चोर कौन है और चौकीदार कौन है। जितनी दौलत लूटी है मेरा ईमान कहता है ये इनके काम नहीं आएगी, ना नवाज शरीफ साहब के ना आसफ जरदारी साहब के। दुख ये है कि इन्होंने अगली नस्ल का भी सत्यानाश कर दिया सियासत का। पाकिस्तान में बदमाशों को, चोरों को, लुटेरों को, करप्ट लोगों को इज्जत मिल रही है। नवाज शरीफ मरियम नवाज के लिए NRO ढूंढ रहे हैं, जरदारी को बिलावल के लिए NRO में कोई दिलचस्पी नहीं, शेख रशीद का दावा। बोले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने कौमी दौलत लूटी, मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा। कौम ने चोरों लुटेरों को बुलडोज करने के लिए इमरान खान को वोट दिया है। सरकारी अफसरों की शाहखर्चियों की नई दास्तान, अफसर बाथरूम में भी मिनरल वाटर इस्तेमाल करने लगे। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की वाइस चांसलर का कपड़े धोने के लिए लाखों रुपए से खरीदे मिनरल वाटर का इस्तेमाल। ऑडिटर जनरल की जानिब से कार्रवाई की सिफारिश के बावजूद 7 माह बाद भी कोई एक्शन ना लिया गया। पाइप के जरिए गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयत। गाड़ी धोना हो तो बाल्टी में पानी भरकर धोएं। लाहौर हाईकोर्ट ने पानी के ज़िया को रोकने से मुताले केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर तमाम हाउसिंग सोसाइटीज में पानी के इस्तेमाल से मुताले तफसीली रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की तुर्क सदर तैयब अर्दवान से मुलाकात। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ जस्टिस के शबरूस की तकरीब में शिरकत। दौरे में तुर्क हुकाम को सुप्रीम कोर्ट के पानी, आबादी कंट्रोल और सेहत से मुतल्लिक इक़दामात से आगाह किया। भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी जेल से रिहाई के बाद बहगा के रास्ते वतन वापस रवाना। जासूसी के जुर्म में सजा खत्म होने के बाद रिहा किया गया। हामिद अंसारी को 2012 में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान दाखिले पर गिरफ्तार किया गया था। खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा किरदार। अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से हुए। अमन आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा कि दुआगो हैं 72 अफगान अवाम को 3 दहाइयों से जारी मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। उधर अफगान तालिबान और अमरीका के माबैन कतर में मुज़ाकरात का दूसरा रोज, ब्रेक थ्रू का इम्कान। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की सेनेट में शदीद मजम्मत। सेनेटर अब्दुल कयूम का कहना है मसला कश्मीर अक्वामे मुताहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। रजा रबानी बोले अक्वामे मुताहिदा से उम्मीद रखना फजूल है। मुशाहिदुल्ला खान बोले भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर मजम्मत का लफ्ज नाकाफी है। भारत की बदतरीन जारहियत ने आलमी इदारों को भी जगा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काबिज फौज के मुजालिम की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। तंजीम के डायरेक्टर का कहना है कश्मीरियों का खून बहाने वालों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उधर अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तानी करारदाद इत्तेफाक़ राय से मंजूर। मकबूज़ आबादी में फौज के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ आज भी हड़ताल।
مری میں سیاح فیملی پر تشدد کرنے والے مرکزی ملزم ندیم نے گرفتاری دے دی۔ پولیس نے واقعے میں ملوث دیگر 6 ملزموں کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا تھا۔ نائب خیبر پختونخوا کے 4 پروسیکیوٹرز نے استعفی دے دیا۔ مصافی ہونے والوں میں سینئر پروسیکیوٹر عمر فاروق، اشفاق داؤزئی، حسنین طارق اور زیر اللہ خٹک شامل۔ استعفوں میں پروسیکیوٹرز نے ذاتی وجوہات بیان کی۔ حضرت غوث العاصم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے گدی نشین السید خالد المنصور الجلانی وزیر اعظم عمران خان کی کفال چاری اور صاف گوئی کے معترف، ملاقات میں زہرانے یا اشائیے کے بغیر صرف چائے سے تواصل کرنا اچھا لگا۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان بہت سادہ طبیعت کے ہیں۔ کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے، کوئی نہیں سہارا۔ سرکار غوث اعظم، غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مبارک کی پرنور تقریبات جاری ہیں۔ دنیا بھر سے زائرین کی بڑی تعداد فیوز و برکات سمیٹنے بغداد شریف میں موجود۔ فلم اور ٹی وی اداکاری کا ایک اور روشن باب بند۔ ممتاز اداکار علی اعجاز 77 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں رشتہ داروں اور ساتھی فنکاروں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ علی اعجاز کی لاہور کے ہنجروال قبرستان میں تدفین۔